धर्मशाला में बीजेपी के मंथन के बाद से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर अपने घर जिला हमीरपुर के समीरपुर में हैं। यहां पर वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसी बीच रविवार को अनुराग ठाकुर ने समीरपुर स्थित अपने निवास पर जनता की समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने पंजाब नगर निगम चुनावों में बीजेपी की हार के कारणों पर भी खुलकर मीडिया से बात की। अनुराग का कहना था कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या हुई है और विपक्ष को पर्चा तक भरने नहीं दिया गया, इससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। मुझे लगता है पंजाब में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह से विपक्ष को पर्चा तक भरने पर रोक लगाई गई, जिस तरह से वहां पर हिंसा की घटनाएं हुई, उसमें लोकतंत्र भी शर्मसार हुआ है। आज राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो सत्ता का दुरुपयोग क्या होता उसका एक जीता जागता उदाहरण पंजाब में देखने को मिला। जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो कांग्रेस को एक बार आईना वहां पर देखना ही पड़ेगा। पड़ोसी देशों में मैत्रीपूर्ण संबंधों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व के चलते चीन को घुटने टेकने पड़े हैं। देश के पड़ोसी देशों के रिश्ते मैत्रीपूर्ण होने जरूरी है, लेकिन अतिक्रमण को कतई सहन नहीं किया जाएगा। भारत शांति चाहता है और शांति से मसले हल करना चाहते हैं। देखिए, जब चीन अतिक्रमण की नीति को लेकर और उस सोच को लेकर बॉर्डर पर अपने प्रयास कर रहा था, तब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, एक इंच भी जमीन अपने देश की नहीं जाने दी। और मोदी सरकार के नेतृत्व के कारण चीन को भी घुटने टेकने पड़े। हम सदा चाहते रहे कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे हमारे रिश्ते अच्छे हों, मैत्रीपूर्ण हों। लगातार भारत ने दुनिया भर के देशों की मदद की और अपने पड़ोसियों की तो विशेष तौर पर की है, लेकिन अतिक्रमण वाली नीति को लेकर हमारा रुख बड़ा स्पष्ट है कि भारत इतना ताकतवर है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है, लेकिन हम लड़ाई नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमने अपनी ताकत दिखाई, चीन को भी पीछे हटना पड़ा। और मैं इस पे नहीं जाऊंगा किसकी कितनी कैजुअलिटीज हुई, हमने पहले दिन से ये स्टैंड रखा है, हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं है, कोई हमें कमजोर ना देखे। ये वो भारत है जो सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। या तो रखे अभिमान, या तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।